हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको शिकायत रहती है खर्राटे की। दोस्तों, खर्राटे एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति खुद तो परेशान नहीं होता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति या इंसान सो रहा होता है उसको परेशानी होती है, क्योंकि खर्राटे की वजह से दूसरे इंसान की नींद खराब हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, खर्राटे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपकी बॉडी को यानी शरीर को किसी तरीके का हार्म यानी नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर भी खर्राटे आना एक अच्छी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से ऐसे योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं जिससे आपकी खर्राटे की समस्या को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो दोस्तों पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस व्यक्ति का नेचर कफ होता है यानी प्रवृत्ति कफ होती है, उनको ज़्यादा खर्राटे आते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ जिनको ओबेसिटी की शिकायत रहती है, साइनस की शिकायत रहती है, कोल्ड की समस्या ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी शिकायत रहती है ज़्यादातर खर्राटे की। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगी और साथ में दो ऐसे प्राणायाम बताने जा रही हूँ जिनके द्वारा आप अपने खर्राटे की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आसन का नाम है सिंहासन। देख लेंगे हमें किस तरीके से करना है। वीडियो में अंत तक बने जरूर रहेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि आप किस तरीके से अपने खर्राटे को दूर कर सकते हैं। बैठ जाएंगे सबसे पहले वज्रासन में। आपको वज्रासन में बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आगे से दोनों पैरों को खोल लेंगे, जितना आप खोल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इस तरीके से पैरों को खोल लेंगे। इसमें दोस्तों आपका जो स्टेप आएगा यानी जिस तरीके से आपको करना है, जैसे एक शेर यानी सिंह के समान आपको दहाड़ लगानी है जिससे आपकी खर्राटे की समस्या खत्म हो सकती है। देख लेंगे किस तरीके से। दोनों हाथों को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ये इस तरीके से आपस में आपकी कलाइयाँ हल्की सी मिल जाएंगी। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए दहाड़ लगानी है। और आपके जो आँख हैं यानी आँखों का जो ध्यान है वो आपके यहाँ पे मध्य भाग में यानी जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है यानी फॉरहेड के बीचों बीच आपको ध्यान को लगाना है। इस तरीके से ध्यान को केंद्रित करते हुए जीभ को बाहर निकालेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दहाड़ लगानी है। इस तरीके से दोस्तों आपको दहाड़ लगानी है। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ध्यान को केंद्रित कर लेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर यानी दोनों आईब्रोज के बीच में, जीभ को निकालेंगे बाहर, इस तरीके से दोस्तों आपको सिंहासन का प्रोसेस करना है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको जीभ निकालते हुए दहाड़ लगानी है। इसमें जो भी आपका ये गले का नीचे का जो पार्ट होता है, इसमें अच्छा सा घर्षण पैदा होता है जो कि आपकी खर्राटे की समस्या को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंहासन। आप इसको 5 से 10 बार रिपीट करेंगे यानी आपको इसे 5 से 10 बार दोहराना है। अब आ जाएंगे हम दूसरे प्राणायाम की तरफ। सुखासन में बैठ जाएंगे नॉर्मली एकदम, कमर गर्दन सीधी रहेगी, किसी तरीके का कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही इजी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब हमारा जो दूसरा प्राणायाम है उसको हम बोलते हैं उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम में दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा ये गले का जो पार्ट होता है इसका हमें संकुचन करना होता है। देख लेंगे संकुचन किस तरीके से किया जाता है। जब आप श्वास को लेंगे तो इस तरीके से गले को अंदर की तरफ आपको खींचते हुए लेके आना है, जिस तरीके से एक बच्चा खर्राटे की आवाज़ निकालता है उसी तरीके से हम ये उज्जायी प्राणायाम करेंगे। देख लें किस तरीके से किया जाता है। कमर गर्दन सीधी, श्वास को सामान्य बना लेंगे, दोबारा से आएंगे संकुचन करते हुए अपने गले का, सामान्य श्वास बना लेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जब आप श्वास को खींचते हैं तो आपको स्लोली खींचते हुए आना है, जिसमें आपके गले को आपको घर्षण देना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते हुए यानी अपने गले का कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन करना है यानी गले को सिकोड़ना है। ये था दोस्तों हमारा उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास।
इसको आप एक दूसरी विधि के साथ भी कर सकते हैं जिसमें आपको शॉर्ट यानी छोटी छोटी श्वास को खींचना है। देख लेंगे किस तरीके से करना है आपको। लंबा श्वास, एक बार और मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। रिलीज। जब दोस्तों आप गले का घर्षण यानी संकुचन करेंगे तो ध्यान रखेंगे उस टाइम आपके नोस्ट्रल से श्वास आपको नहीं लेनी है, यानी श्वास आपकी रुकी भी रहेगी और अंदर आपका घर्षण हो रहा होगा। उसके बाद आप सामान्य बना लेंगे श्वासों को। इसको भी दोस्तों आपको 5 बार रिपीट करते हुए आना है, यानी आप 3 बार करेंगे लंबे श्वास के साथ और 2 बार आपको करना है छोटे श्वास के साथ, तो आपको 5 बार करते हुए आना है। अब हम आ जाएंगे तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा, सिंपल और बेस्ट प्राणायाम है। हमारे एक तरीके से स्ट्रेस को भी दूर करता है और इसके बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, इनको भी बहुत हद तक दूर करता है भ्रामरी प्राणायाम। और साथ में जिनको डिप्रेशन होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है और हमारी खरांटों की समस्या के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। देख लें किस तरीके से करना है। आपके 2 अंगूठे हैं, इनको आपको कानों पे लॉक कर देना है। कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। कान के बाहर से ही इस तरीके से आपको दबा देना है। बाकी उंगलियां अपने आंखों पे रख लेंगे इस तरीके से, ये यानी आपके जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है इस तरीके से दोनों आंख पे आ जाएंगे और जो 2 फिंगर है वो आपकी नोज के नीचे इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहीं से लंबा श्वास ले लेंगे। सामान्य बनाएंगे श्वासों को। दोबारा से करके मैं आपको दिखा देती हूँ। लंबा श्वास लेते हुए भौरे की तरह आपको गुंजन करना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जब भी आप इस पोजीशन में जाते हैं तो आंखों पर प्रेशर नहीं देना है, हाथ एकदम आपके हल्के रहने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों तीसरा अभ्यास था हमारा भ्रामरी प्राणायाम का, जिसमें आपको भौरे की तरह गुंजन करना होता है, यानी इस तरीके की आपको ध्वनि निकालनी होती है श्वास को लेते हुए। और जब आप ये ध्वनि निकालेंगे तो एक्सहेलेशन यानी प्रश्वास, यानी जब आप श्वास छोड़ रहे हैं वो अपने आप बाहर जाएगी, उसमें आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारे वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और दोस्तों आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।